जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज नहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की अंधेरी पर आसमान ने जो लिखा तार ना लगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, का बेटा यहाँ दुबई में है। अलग कमल चोपड़ा 85110। अरे अजय कहाँ थे तुम इतने दिनों, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया। सर मैंने भी आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन हमेशा नाकामयाब रहा। लेकिन अजय तुम्हारा दादा एक बहुत बड़ा आदमी है, शातिर भी है, तुम बाहर रहकर उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। मैं उसका मुकाबला कहीं पर भी खड़ा रहकर कर सकता हूं। ओ पुत्र तू ये क्या कर रहे है? लेकिन मैथ्यू मुझे अपने पोते के बारे में जरूर जानना है। आप उसकी फिक्र न करें सर, मैं यहां से नौकरी छोड़ रहा हूं। अजय ऐसी हिमाकत कभी मत करना। अब आप 2-3 दिन ऑफिस मत आइएगा, ऑफिस का काम मैं संभाल लूंगा। परेशान हो जाओगे ना तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। अंकल किस्मत भी क्या अजीब से खेल खेलती है, मैं जिन लोगों से यहां बदला लेने आया था उन्हीं के साथ मोहब्बत कर बैठा हूं मैं। अरे ऐसी बात है तो फिर तुम्हें उन्हें गले लगा लेना चाहिए। नहीं अंकल हरगिज नहीं, ये तो मुझसे अनजाने में हो गया। और तो और मैं उनके रेस्टोरेंट में काम करने लगा हूं। ये सब हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज है अजय। कैसे? अरे वो लोग तुम्हें चाहने लगे हैं इसीलिए तुम्हारा उनके घर में घुसना मुश्किल नहीं होगा। पर अंकल मैं उस घर में कैसे रह पाऊंगा, मैं जब जब उन लोगों को देखूंगा मैं अपने गुस्से पर काबू कैसे रख सकूंगा। अच्छा है ये नफरत तुम्हें तुम्हारा मकसद जल्दी पूरा करने में मदद करेगी। इस वक्त तुम्हें जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए। जी अब प्रॉब्लम यह है कि उन्हें पता कैसे चले कि तुम उनके पोते हो। खैर ये भी हो जाएगा, शमशेर राज ने मेरे एक ऑफिस के आदमी को तोड़ दिया, अब मैं उसी की चाल उसी के खिलाफ चलूंगा। वही आदमी उन्हें जाकर तुम्हारे बारे में बताएगा। फिर क्या, शमशेर राज और गायत्री देवी का बरसों से दबा हुआ प्यार उमड़ पड़ेगा, वो तुम्हें लेने आएंगे। लेकिन पहली बार में मत चले जाना, उन्हें यह महसूस होने देना कि उन्होंने जो तुम्हारी मां के साथ व्यवहार किया है ना उसका इल्म है तुम्हें, पर तुम उन्हें अच्छा नहीं समझते। पर आप तो कह रहे थे कि मुझे उनके घर में रहकर उनसे लड़ना होगा।
वही करोगे तुम, और ये सब इसलिए करना जरूरी है ताकि उन्हें ये महसूस ना हो कि किसी मंसूबे के साथ तुम उनके घर आए। आप ठीक कहते हैं अंकल, मुझे ऐसा ही करना होगा। ऐसा ही करो अजय, एक बार तुम उस घर में घुस जाओ, फिर शमशेर राज को उसके घर से बिल्कुल वैसे ही निकालना जैसे उसने तुम्हारी मां को निकाला था। जी अंकल, लेकिन आपने मुझे यह नहीं बताया कि मेरी बात उन तक कैसे पहुंचेगी। कल इश्तहार वाला अखबार लेकर तुम मेरे ऑफिस आ जाओ, फिर देखो मैं क्या करता हूं। अब कॉफी पियोगे? जी। वेटर, 2 कॉफीज प्लीज, 1 विथ क्रीम एंड 1 ब्लैक। फैसल, फैसल मियां। जी अबू। क्या बात है फैजल मियां, इतना वक्त हो गया दफ्तर नहीं गया? बस जा ही रहा था अबू। अबू मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था, आप एक मेरी बात मानेंगे? आज तक तेरा कौन सा बात नहीं माना है पुत्र, तेरे कहने पे तो मैंने अपना घर तक छोड़ दिया है। अबू आप टैक्सी चलाना छोड़ दीजिए। क्या टैक्सी चलाना छोड़ दूंगा तो करूंगा क्या? कुछ नहीं, आप घर में बैठिए इबादत कीजिए। खुदावंद करीम ने घर बैठ के इबादत करने का इजाजत नहीं दिया है। कहते हैं कि इंसान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए इबादत करना चाहिए। अबू, अबू आपको एहसास है कि आपकी उम्र कितनी हो गई है, आपको इस उम्र में टैक्सी नहीं चलानी चाहिए। और वैसे मैं हूं ना कमाने वाला, आपने बचपन से लेकर आज तक मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, क्या मैं आपके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकता? बनते हैं। और फिर तेरे अलावा मेरा और है भी कौन? लेकिन तू खुद सोच बच्चा, जो शख्स 8 बरस की उम्र से काम करता आया हो, यकदम मुझसे कहो कि काम मत करो। नहीं पुत्र, टैक्सी चलाना काम करना छोड़ दूंगा तो जिंदा रहना भी छोड़ दूंगा। कैसी बात करते हैं अब्बू, परवरदिगार आपको मेरे बच्चों के भी बच्चे दिखाए। और क्यों बद्दुआ देता है यारा, जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है। मुझे काम करने से मत रोक। ठीक है, मैं आपको काम करने से नहीं रोकता, लेकिन आप घर में बैठ के भी तो काम कर सकते हैं। बस अब आप टैक्सी नहीं चलाएंगे। इतना जल्दी अपना फैसला मत सुना, मुझे सोचने का वक्त दे। तू नहीं जानता पुत्र, तू मुझसे कितना बड़ा कुर्बानी मांग रहे है। डिसीजन के लिए तुम नैना को फोन करोगे तो उसने तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों दी है? पर मैं नहीं चाहता कि बाद में वो मुझसे कहे कि मैंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। मिस्टर मैथ्यू, एक एडवाइस दूं मैं आपको, मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। क्या मतलब? आप समझदार आदमी हैं, खुद समझ सकते हैं। देखिए हट जाइए, अरे ये क्या बदतमीज़ है, कौन हो तुम? मेरा नाम अजय है, मैं आरती खन्ना का बेटा हूँ। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मैंने माँ की शोध के बारे में इस अखबार में क्या ऐड आई है? तुम अजय हो, आरती खन्ना के बेटे? बेटे मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, आओ बेटे गले लग जाओ। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है मिस्टर कमल चोपड़ा, मेरी माँ ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता रखा है। मैं जानता हूं आप कितने नीच और घटिया इंसान हैं। अगर आज के बाद इस तरह का कोई भी इश्तहार किसी भी न्यूज़पेपर में छपा तो मैं पुलिस की मदद लूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? अजय, अजय, अजय रुक जाओ। मिस्टर मैथ्यू प्लीज, उसे जाकर रोको जल्दी, इमीडिएटली जल्दी। एक्सक्यूज मी। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ अंदर। अजय रुक जाओ, अजय, अजय देखो, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे और कमल चोपड़ा के बीच में क्या डिस्प्यूट है, मगर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं तुम्हारी मम्मी का एक बहुत बड़ा फैन रह चुका हूं। तो मैं उन्हें एक फैन मेल भेजना चाहता हूं, क्या तुम उनका एड्रेस दे सकते हो? आप मुझे दे दीजिए, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें ढूंढूंगा कहां,
मैं होटल अल मुरजान में काम करता हूं। होटल अल मुरजान। हाँ बोलो। सर मैथ्यू बोल रहा हूं, एक खुशखबर है। कहो। आपका पोता मिल गया है। क्या? वो होटल अल मुरजान में वेटर की नौकरी करता है। अल मुरजान, क्या नाम है उसका? अजय। अजय? सच कह रहा हूं सर, वो अभी अभी कमल चोपड़ा के ऑफिस में आया था। अपने माँ के गलत एड छपने के लिए उस पर बहुत गुस्सा किया, उसको वार्निंग देकर चला गया। Yes, yes, I was sure, I was sure, I was sure. Gayatri, Gayatri, Gayatri. क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं? हमारा पोता मिल गया है। हमारा पोता मिल गया है। कहाँ कहाँ है? हमारे ही होटल में काम करता है, अल मुरजान में। हम उसे दिख चुके हैं, हम उसे मिल चुके हैं। हमें मालूम था, हमें शक था कि वो हमारा ही खून है, लेकिन हमें यकीन नहीं। तो जाइए ना, जाकर उसे ले आइए। मैं तरस गई उसे सीने से लगाने के लिए। जाइए, जल्दी जाइए ना। हम उसे लेकर आते हैं, हम उसे लेकर आते हैं। लाख लाख शुक्र भगवान। तू अंतर्यामी है, दुखियारों का सहारा है। आज हमारे बाबू शमशेर राज की तपस्या आज पूरी हो गई, उन्हें उनका पोता अजय मिल चुका है। हे भगवान, तू जल्द से जल्द अजय को इस घर की रौनक बना दे। उसके चरण इस घर में पड़ने से खुशियां आ जाएंगी, गम के बादल छट जाएंगे। तू शमशेर राज और उनके वंश को लंबी आयु दे। तू जल्द से जल्द अजय को इस घर में लेके आ। दादी माँ, दादी माँ, मुझे यकीन ही नहीं आता कि अजय मेरा भाई है। ओह गॉड, तुम कितने अच्छे हो। दादी माँ, पता है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं चाहती थी। मैं उसे लेकर आती हूँ। जा, तुम्हारे दादू उसे लेने गए हैं। दादी माँ, I'm so excited and I'm so happy. मैं उसके लिए तैयारियां करती हूँ, okay? माँ। बहू। क्या तुम खुश नहीं हो? माँ जी, मैं भी बहुत खुश हूँ। फिर तुम इतनी खामोश क्यों हो? माँ जी, अजय से मेरी दो बार मुलाकात हुई है और अच्छी नहीं हुई है। कोई बात नहीं, वो बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसे तुम्हें बुरा लगे। फिर भी अपने माँ के लिए वो मुझे ही कसूरवार ठहराएगा। पूजा और तुम्हें छोड़कर हम सब उसकी माँ के कसूरवार हैं। वो हमारे गुनाहों की सजा तुम्हें क्यों देगा? जब उसे पता चलेगा कि मैं उसकी सौतेली माँ, तब वो क्या करेगा माँ जी? सर आप? सर नहीं बेटे, सर नहीं। हमें वो कहकर पुकारो जो सुनने के लिए बरसों से हमारे कान तरस रहे हैं। हम तुम्हारे दादा, दादा, तुम्हारा बाप विशाल हमारा बेटा है। क्या बात है बेटे? तो वो आप ही हैं जिसकी वजह से मेरी मां 20 साल से दुख झेल रही है। वो आप ही हैं जिसने पैदा होने से पहले ही मेरे सर से मेरे बाप का साया छीन लिया था। अनजाने में हमसे
कई गलतियां हुई हैं बेटे, शायद मालूम होता तो ऐसा नहीं होता। आप ऐसा ही करते क्योंकि जिंदगी भर आपने जुल्म और अन्याय ही किए हैं। नहीं बेटा, जुल्म तो हम पर हुआ, तुम्हारी माँ ने जुल्म हम पर किया है, तुम्हें हमसे जुदा करके। तुम्हें मालूम नहीं कि हम तुम्हारे लिए कितना तड़पे हैं। तड़पी तो मेरी माँ है, हर वक्त हर लम्हा इज्जत की दो रोटी के लिए, अपने सुहाग की ठंडक के लिए, मेरे लिए कि मुझे पढ़ाए लिखाए और उन गंदी बस्तियों की हवाओं से बचा के रखे जिनकी बदबू में मैं पला बड़ा हूं। अफसोस, अफसोस, शमशेर राज का वारिस और उसकी परवरिश उन गंदी बस्तियों में हूं। काश, काश तुम्हारी माँ हमारे खानदान के परंपराओं को झेल लेती तो ऐसी नौबत ही नहीं आती बेटे। नहीं। बेटा कहकर आप कौन सा सौदा करने आए हैं मिस्टर शमशेर राज? आप सिर्फ एक व्यापारी हैं, महज एक सौदागर। हम आपके दादा हैं, मगर मैं आपका पोता नहीं हूं। अजय कहाँ है? आप बोलते क्यों नहीं? अजय कहाँ है? दादू, आप अजय भैया को क्यों नहीं लेकर आए? वो नहीं आया। आपने उसे समझाया नहीं? समझाया, बहुत समझाया हमने, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। इसका गुस्सा जायज है, आप उसे थोड़ा सा वक्त तो दीजिए, आखिर वो हमारा खून है। अरे किस खून की बात कर रही हो तुम? उस खून ने थूक दिया हम पर, थूक दिया हम पर, हमारी शक्ल देखने से इनकार कर दिया। उसके चेहरे से लगता है कि वो नफरत करता है हमसे, तुमसे, सारे परिवार से नफरत करता है वो। हे भगवान, तू कब तक हमारी परीक्षा लेता रहेगा? तू हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहा है? अन्याय वो नहीं कर रहा, शायद हम ही ने किसी के साथ न्याय नहीं किया हो। हम सोचते हैं कि उसकी जगह हम होते तो शायद हम भी ऐसा ही करते। मैं जाऊंगी, मैं जाकर उसे ले आऊंगी, मैं समझाऊंगी उसे। कैसे समझाओ? हमारे पोते को लेकर आओ, हम उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। जाओ तुम लेकर आओ, हम उसके लिए अपने धन जायदाद दौलत सब कुछ निधन करने के लिए तैयार हैं। जाओ तुम ले आओ। दादू, मैं लेकर आऊंगी अजय भैया को। हाँ मैं लेकर आऊंगी दादू। तू लाएगी? तू जा, तू जा, तू लेके। हमारा पोता है यहां पर है, लेकिन घर नहीं आया, घर नहीं आया वो।